Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जीएलए यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ मैं जिस विषय को आपके सामने लेकर आई हूँ उस विषय का नाम है प्रबंधन प्रक्रिया और संगठनात्मक व्यवहार आज का व्याख्यान है निर्देशन के ऊपर यानी कि डायरेक्टिंग निर्देशन भी प्रबंधन का एक मुख्य कार्य है जैसा कि हम पहले व्याख्यानों में पढ़ चुके हैं कि नियोजन संगठन नियुक्तिकरण ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्य हैं इसके साथ साथ चौथा कार्य जो आता है वह होता है निर्देशन यानी कि डायरेक्शन या डायरेक्टिंग तो देखते हैं कि इस सत्र में हम किस किस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं और इस सत्र को पढ़ने के बाद आप किन चीज़ों में सक्षम होंगे हम इस व्याख्यान में बात करेंगे कि प्रबंधन में निर्देशन की क्या भूमिका है निर्देशन होता क्या है निर्देशन कैसे किया जाता है निर्देशन की महत्ता क्या है इसके अलावा हम बात करेंगे कि पर्यवेक्षण क्या होता है पर्यवेक्षक कौन होता है पर्यावेक्षक के कार्य क्या होते हैं और पर्यावेक्षक को ऐसे कौन से गुण चाहिए होते हैं जिससे कि वह अच्छा पर्यवेक्षण कर सके तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निर्देशन की कूंस एवं ओडोनल के शब्दों में निर्देशन का घनिष्ठ संबंध कार्य संपादन कराने से है यानी कि एग्जीक्यूशन और ऑफ वर्क से है कि किस प्रकार आपका कार्य पूर्ण रूप से सही होता है इसके अलावा कून्स ओडनेल ने जिस पर फोकस किया है उनके हिसाब से एक व्यक्ति नियोजन यानी कि प्लानिंग संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग तथा कर्मचारियों की नियुक्ति यानी कि स्टाफिंग तो कर सकता है परंतु उसे तब तक कोई सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि वह अधीन कर्मचारियों को यह ना सिखाए कि उन्हें क्या करना है वह काम उन्हें कैसे करना है तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बहुत बार हम एक अच्छी योजना बनाते हैं हम एक अच्छी संरचना करते हैं अपने संगठन की हम अच्छे लोग भी लेकर आते हैं संगठन के अंदर लेकिन हम कहीं ना कहीं उनको एक अच्छे तरीके से प्रभावपूर्ण तरीके से निर्देशित करना भूल जाते हैं और जब निर्देशन नहीं होगा तो चाहे आपकी योजना कितनी ही अच्छी क्यों ना हो चाहे आपके साथ कितने ही अच्छे लोग क्यों ना जुड़े हों चाहे आप कितना ही अच्छा संरचना या कितनी ही अच्छा स्पैन ऑफ कंट्रोल या प्राधिकार का प्रत्यायोजन कर लें कहीं ना कहीं निर्देशन की कमी से आपकी सफलता जो आपको मिल सकती थी वो अफसफलता में बदल सकती है तो हमें देखना है कि निर्देशन कैसे किया जाता है और क्यों होता है इसी के आगे हम बात करेंगे कि निर्देशन संगठनात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि की ओर लोगों को निर्देश देने मार्गदर्शन देने प्रेरित करने परामर्श करने निरीक्षण करने और नेतृत्व करने की एक प्रक्रिया या तकनीक को संदर्भित करता है इसका मतलब हम निर्देशन में बात करते हैं कि हम कैसे अपने अधीनस्थों को प्रेरणा दे पाए यानी कि मोटिवेट कर पाए हम एक पर्यवेक्षण के रूप में एक पर्यवेक्षक के रूप में किस तरह एक अच्छे लीडर साबित हो पाए कि हम अपने अधीनस्थों को एक सही रास्ता सही दिशा दिखाकर उनसे सही कार्य करवा पाए यह एक सतत प्रबंधकीय प्रक्रिया है यानी कि कंटिन्यूस मैनेजरियल प्रोसेस है ऐसा नहीं है कि निर्देशन सिर्फ एक ही बार होता है और आप पर्यवेक्षक के रूप में समझें कि मैंने तो एक बार अपने अधीनस्थों को निर्देशित कर दिया तो अब मैं आराम से बैठ सकता हूं या बैठ सकती हूँ और अब तो वो कार्य करेंगे ही नहीं एक पर्यवेक्षक के रूप में एक डायरेक्शन के रूप में एक डायरेक्टर के रूप में आपको समय समय पर अपने अधीनस्थों को निर्देशित करते रहना है यह देखते रहना है कि वह किस प्रकार कार्य को अंजाम लग, दे रहे हैं क्या आपके अधीनस्थ मोटिवेटेड है या नहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बहुत अच्छी योजना बनाई लेकिन शायद आप अपने अधीनस्थों को वो योजना किस प्रकार पानी है यह समझा ना पाए तो वह डीमोटिवेट हो गए हैं तो यह सब देखने की प्रक्रिया को ही हम निर्देशन कहते हैं कि हम किस प्रकार अपने अलग अलग क्रियाओं का समन्वय करके कोऑर्डिनेशन लाकर आगे बढ़ें हम किस प्रकार अपने अधीनस्थों को मोटिवेट कर कर आगे बढ़ें हम किस प्रकार एक अच्छे नेतृत्व का उदाहरण बने यानी कि एक अच्छी लीडरशिप दिखाएं इसके अलावा एक और चीज़ कि क्या है हमारे संगठन की संचार संरचना किस प्रकार का संचार हमारे संगठन में होता है क्या वह हमारे लक्ष्यों के साथ जा रहा है तो इन सब पर जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं निर्देशन की यानी कि डायरेक्शन की डायरेक्टिंग की, की तो चलिए आगे देखते हैं कि निर्देशन की विशेषताएं है क्या हैं जब हम निर्देशन की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि निर्देशन तो एक प्रबंधकीय कार्य है यानी कि मैनेजमेंट फंक्शन है हमने पहले व्याख्यान में जब प्रबंधन की अवधारणा को समझा था तो उसी वक्त हमने इस बारे में भी बात करी थी कि प्रबंधन के पांच महत्वपूर्ण कार्य होते हैं निर्देशन उनमें से एक है जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने कहा आपकी योजना बहुत अच्छी हो सकती है आपकी संरचना संगठन की संरचना बहुत अच्छी हो सकती है आपके पास लोग अच्छे हो सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनमें मोटिवेशन की कमी है प्रेरणा की कमी है कहीं ना कहीं उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है कहीं ना कहीं संचार सही नहीं है कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है तो चाहे आप कितने भी अच्छी चीज़ें लेकर आए आपका नियोजन या आपकी योजना विफल हो सकती है तो इसलिए जब हम भी जब भी हम बात करते हैं निर्देशन की निर्देशन की तो इसका मतलब यह है एक प्रबंधकीय कार्य है यानी कि मैनेजरियल फंक्शन है सिर्फ ये ही नहीं जब हम निर्देशन की बात करते हैं तो निर्देशन की आवश्यकता प्रत्येक स्तर पर होती है यानी कि इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जब हमने स्तरों की बात करी थी प्रबंधन के स्तर की बात करी थी तो हमने तीन स्तर की बात करी थी उच्च स्तरीय प्रबंधक या प्रबंधक मध्यम स्तरीय प्रबंधन या प्रबंधक निचला स्तर का प्रबंधक या प्रबंधन तो हमने जब ये तीन स्तरों की बात करी तो यह कहना गलत होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ निर्देशन की जरूरत है लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए या लोअर लेवल मैनेजमेंट पर बहुत सारे लोगों का मानना यही होता है कि जब भी डायरेक्शन की बात आती है यानी कि निर्देशन की बात आती है तो यह तो सबसे निचले स्तर के लोगों के लिए जो संगठन में काम कर रहे हैं श्रमिकों के रूप में वर्कर्स के रूप में ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स के रूप में उनके लिए माननीय होता है तो नहीं जब हम निर्देशन की बात करते हैं तो निर्देशन आपको हर स्तर पर चाहिए चाहे आप उच्च स्तरीय प्रबंधक क्यों ना हो आप मध्यम स्तरीय प्रबंधक क्यों ना हो आपको हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर निर्देशन की जरूरत पड़ेगी इसलिए हम कहते हैं कि निर्देशन जो होता है वह हर स्तर पर मौजूद है इसके अलावा जब हम निर्देशन की बात करते हैं तो निर्देशन जो होता है वह है कई कार्यों का समूह है जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि निर्देशन सिर्फ सामने वाले को या अपने अधीनस्थ को निर्देशित करना नहीं है इसके साथ साथ उसको प्रेरणा देना भी है आप अभी अपने अधीनस्थ के लिए प्रेरणादायक बनिए मोटिवेशन भी इसका एक कार्य है इसके अलावा यह सोचना कि आपके संगठन के हिसाब से कौन सी संचार संरचना सही है यह भी निर्देशन ही है इसके साथ साथ ये सोचना कि किस प्रकार आप अपने अधीनस्थों का नेतृत्व करेंगे यह भी निर्देशन ही है तो निर्देशन सिर्फ और सिर्फ रखरखाव रखाव या देख करना नहीं है निर्देशन यह देखना भी है कि हम किस प्रकार अपने अधीनस्थों को प्रेरणा देते हैं हम किस प्रकार का नेतृत्व करते हैं हम किस प्रकार अलग अलग गतिविधियों के बीच समन्वय लाते हैं हम किस प्रकार संचार संरचना का उपयोग करते हैं तो ये सब होता है निर्देशन तो कहने में निर्देशन सिर्फ एक शब्द है लेकिन उसके नीचे बहुत सारे अलग अलग कार्य आपको करने होते हैं सिर्फ यही नहीं जब हम निर्देशन की बात करते हैं तो ज्यादातर संगठनों में देखा गया है कि निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की तो ओर होता है यानी कि टॉप टू बॉटम अब आप कहेंगे कि टॉप टू बॉटम तो अप्रोच अच्छी नहीं है लेकिन देखिए जब हम निर्देशन की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे निर्देशित कौन करता है जो आपका सीनियर होता है तो इसलिए हम बात करते हैं निर्देशन की और तो जब भी देखा गया है तो निर्देशन ज्यादातर ज्यादातर ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह करता है इसके अलावा जब हम निर्देशन की बात करते हैं तो यह है एक सतत प्रक्रिया है जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है आप एक बार अपने अधीनस्थों को मोटिवेट यानी कि प्रेरणा देकर छोड़ नहीं सकते अगर आप सीनियर हैं उनके मुखिया हैं उनके लीडर हैं तो आपको उन्हें कंटिन्यूस मोटिवेशन देना पड़ता है आप एक ही बार संचार संरचना नहीं बना सकते आपको समय समय के हिसाब से देखना है सिचुएशंस के हिसाब से देखना है गतिविधियों के हिसाब से देखना है कि कौन सी संचार संरचना कब सही है कब नहीं है अलग अलग तरीके की संरचना हो सकती है वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है फ्री फ्लो कम्युनिकेशन हो सकता है इनमें से कौन सी संरचना आपके संगठन के लिए कौन सी संरचना कौन सी सिचुएशन में आपके संगठन के लिए जरूरी है यह सब आपको सोचना पड़ेगा तो यह सब थी निर्देशन की विशेषताएं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि निर्देशन का महत्व क्या है निर्देशन क्यों जरूरी है क्यों हम निर्देशन को इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि हमने कह दिया कि आपकी योजना चाहे कितनी भी अच्छी हो आपका संग, आपके संगठन की संरचना कितनी भी अच्छी हो आपके पास कितने ही अच्छे लोगों की नियुक्ति की गई हो लेकिन फिर भी अगर अच्छा निर्देशन नहीं है तो आपकी संगठन आपका ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है तो चलिए देखते हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले मैं बात करूंगी निर्देशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अभिप्रेरणा का साधन होता है आपके अधीनस्थों के लिए हमने यह तो सोच लिया कि हमें कार्य क्या करना है हमने यह भी सोच लिया कि कार्य करेगा कौन किसके पास उस कार्य को करने का अधिकार है किसके पास उस कार्य का उत्तरदायित्व है कौन कितने लोगों को कंट्रोल करेगा या डायरेक्ट करेगा कौन कौन सी अलग अलग पद होंगे किसी भी संगठन में लेकिन उसके साथ साथ जो जरूरी है वो है आपके अधीनस्थों का मोटिवेटेड होना यानी कि प्रेरित होना चाहे आपके पास कितने भी संसाधन आ जाएं, लेकिन अगर आपके अधीनस्थ आपके कर्मचारी मोटिवेटेड नहीं हैं प्रेरित नहीं हैं उस कार्य को करने के लिए तो आपके जितने भी संसाधन हैं सब बर्बाद हो जाते हैं और बहुत सारी जगहों पर यही देखा गया है कि सब संसाधन होते हुए भी वर्ल्ड की बेस्ट योजना होते हुए भी वह विफल हो गई क्यों विफल हुई क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अधीनस्थों में एक प्रेरणा नहीं थी उस कार्य को करने के लिए एक मोटिव नहीं था उनके पास अब वो किसी भी वजह से हो सकता है यही तो जानना है डायरेक्शन में निर्देशन में कि वह क्यों प्रेरित नहीं है क्या वजह है उनके प्रेरित ना होने की कैसे आप उन्हें प्रेरित कर सकते हैं तरीके से आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं इन सब की जब हम बात करते हैं तब हमें ध्यान आता है निर्देशन तो निर्देशन इसलिए जरूरी है क्योंकि वह आपके अपने अधीनस्थों को अभिप्रेरणा देता है इसके अलावा जब हम बात करें निर्देशन की तो निर्देशन सही मायनों में कार्यों का निष्पादन करता है यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज हो पाती है डायरेक्शन के थ्रू ही आप सोच के देखिए इससे पहले हमने प्रबंधन के तीन कार्यों की बात करी हमने नियोजन की बात करी नियोजन में आपने क्या किया आपने पूर्वानुमान लगाकर कुछ योजना बनाई कि हम ये कार्य करेंगे फिर उसके बाद आपने क्या किया उस कार्य को करने के लिए आपके संगठन की संरचना क्या हो सकती है आपने उस पर बात करी आपने देखा कि वो संरचना कैसे होगी आपने ये देखा कि किसको कितना अधिकार दिया जाएगा किसको कितना प्रत्यायोजन किया जाएगा तो ये सब आपने ऑर्गेनाइजिंग में बात करी फिर आपने जो कार्य सोचा था जो गतिविधियां सोची थी योजना के वक्त आपने क्या किया नियुक्ति करी आप नए लोगों को लेकर आए आपने लोगों को जो पद आपने निश्चित किए थे उन पदों पर बिठाया तो आप सोच के देखिए कहीं ना कहीं अब आया है वो समय जब आपने जो योजना सोची थी उस पर कार्य होगा एग्जीक्यूशन होगा तभी हम बोलते हैं कि निर्देशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका जो फोकस है वो है एग्जीक्यूशन पे इम्प्लीमेंटेशन पे कि अब कार्य करना कैसे है ये होता है डायरेक्शन इसके अलावा जब हम बात करते हैं निर्देशन क्यों महत्वपूर्ण है तो निर्देशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवर्तन को लागू करना संभव करता है परिवर्तन यानी कि चेंज सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी भी संगठन के लिए चैलेंज इसलिए क्योंकि लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते आप खुद सोच के देखिए आप जिस प्रकार से जो काम करते हैं कितनी ही बार आप उसको बदलना चाहेंगे आप नहीं बदलना चाहते तो इसी तरीके से किसी भी संगठन में जो लोग जुड़े होते हैं वह जिस प्रकार से जो कार्य करते आए हैं वो उसमें रम चुके हैं वे चाहते हैं कि कोई चेंज नहीं हो कोई परिवर्तन ना आए तो ये चैलेंज है लोगों की मानसिकता का लोग बहुत बहुत अलग अलग वजह से बदलाव नहीं चाहते हैं इस पर हम और डिटेल में भी बात करेंगे कि लोग क्यों बदलाव नहीं चाहते हैं आगे के कुछ सत्र में जहां पर हम चेंज की बात करेंगे अब ये अपॉर्चुनिटी कैसे है आपके लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप अगर परिवर्तन लाएंगे चेंज लाएंगे, बदलाव लाएंगे अपनी अपने संगठन में तो आप आगे बढ़ पाएंगे अब मैंने दोनों ही बातें कर दी कि ये चैलेंजिंग भी है और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी भी है तो जब इसमें अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है तो हमें क्या करना है हमें बदलाव करना है हमें परिवर्तन लाना है अब निर्देशन एक ऐसा कार्य है प्रबंधन का जो किसी भी लीडर को ये मदद करता है कि किस तरह से परिवर्तन लाया जा सकता है किस प्रकार हम अपने लोगों को परिवर्तित कर सकते हैं बदल सकते हैं और नई धारणाएं और नई सोच नई तकनीक हम अपने संगठन में ला सकते हैं उनको प्रेरणा देकर उनको सही संचार कर कर सही कम्युनिकेशन करके सही नेतृत्व करके हम परिवर्तन ला सकते हैं इसीलिए कहा गया है कि जो निर्देशन होता है वह परिवर्तन में सहयोग होता है सहायक होता है वह हमें मदद करता है कि किस तरह से हम परिवर्तन ला सकते हैं तो परिवर्तन अपने आप में एक बड़ी चीज है एक जटिल चीज है लेकिन अगर सही निर्देशन है आपके पास तो आप अच्छा बदलाव अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है निर्देशन हम क्यों बार बार कह रहे हैं तो यह संगठन में संतुलन बनाए रखता है इक्विलिब्रियम लाता है इक्विलिब्रियम कैसे देखिए जितने भी कर्मचारी होते हैं उनका एक पर्सनल गोल होता है एक अपना खुद का लक्ष्य होता है चाहे वो अच्छी सैलरी पाना हो अच्छा वेतन पाना हो चाहे अच्छी सुख सुविधाएं पाना हो कंपनी से इसके साथ साथ किसी भी संगठन का क्या उद्देश्य होता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कर सके प्रॉफिट अर्न कर सके अब देखिए निर्देशन जो होता है वो कहीं ना कहीं इसमें सामंजस्य बिठाता है दोनों दोनों में में बैलेंस बैलेंस करता है और जब रहेगा रहेगा संतुलन रहेगा, तो कंपनी संगठन उसमें काम करने वाले लोग कर्मचारी सब आगे बढ़ेंगे उस संतुलन के साथ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ संगठन के लाभ की ही बात करते रहें हम अपने अधीनस्थों को प्रेरणा भी देंगे तो उसमें भी वो आगे बढ़ते हैं और एक तरह से संतुलन बना रहता है इसके अलावा व्यक्तियों के अधिकतम सहयोग की प्राप्ति होती है यह कैसे बताएं एक बार तो सोचें अभी जब हम निर्देशन के कार्यों की बात कर रहे थे तो हम तो हमने उसमें बात करी थी कम्युनिकेशन की संचार संरचना की कि कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर कैसा है तो डायरेक्शन के थ्रू यानी कि निर्देशन के कार्य के वजह से हम एक अच्छी संचार संरचना बना सकते हैं किसी भी संगठन के लिए और जब एक अच्छी संचार संरचना है तब आपस में मतभेद होने की संभावना कम हो जाती है आपस में कंफ्लिक्ट या संघर्ष होने की संभावना कम हो जाती है तो इसलिए डायरेक्शन जो हमें मदद करता है वो मदद करता है जिससे कि हम व्यक्तियों की कर्मचारियों के अधिकतम सहयोग की प्राप्ति कर सकें और सिर्फ यही नहीं निर्देशन संगठन की स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक होता है थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी परिवर्तन की तो आप समझ सकते होंगे कि परिवर्तन अगर आएगा संगठन में तो कहीं ना कहीं एक स्थिरता जो होती है किसी भी संगठन की वो इम्पैक्ट होती है वो प्रभावित होती है तो एक अच्छे निर्देशन की वजह से हम परिवर्तन ला सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ एक स्थिरता जो किसी भी संगठन में ज़रूरी है आप सोचिए ना अगर संगठन में स्थिरता ही नहीं होगी तो लोग काम कैसे करेंगे कितना कन्फ्यूजन कितना प्रॉब्लम हो जाएगा लोगों के बीच में तो हमें परिवर्तन तो लाना है लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि हम अपने संगठन को एक स्थिर रूप में कैसे रख पा रहे हैं जिससे कि हम एक अच्छे तरीके से एक दक्षपूर्ण तरीके से प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य को आगे लेके जाए तो यह तो था निर्देशन का महत्व इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं निर्देशन के सिद्धांतों की प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन या प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग कुछ सिद्धांत हैं निर्देशन के अगर हम उन सिद्धांतों को अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से मानकर अपना डायरेक्शन यानी कि निर्देशन करें तो हमारा निर्देशन कभी भी असफल नहीं हो सकता तो पहले अगर हम बात करते हैं कि कौन सा सिद्धांत है निर्देशन का तो वह है अधिकतम व्यक्तिगत योगदान यानी कि मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का मतलब है कि हमें अच्छे निर्देशन से हम यह कर सकते हैं कि जितने भी लोग कर्मचारी इंसान हमारी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन से जुड़े हैं वो अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि पूरा योगदान पूरी प्रेरणा के साथ दे और यह तभी मुमकिन है जब आप उन्हें एक सही रास्ता दिखा पाएंगे कोई भी कार्य करने के लिए बहुत बार तो लोग जो कंपनी में जो ऑर्गेनाइजेशन में जो संगठन में काम करते हैं वह अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दे पाते क्योंकि इसलिए नहीं कि वह काम नहीं करना चाहते बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वह कार्य होना किस प्रकार है तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि हमारे कर्मचारियों में हमारे लोगों में कमी है प्रॉब्लम इसमें है कि शायद हम उन्हें सही डायरेक्ट नहीं कर पाए और अगर सही निर्देशन होगा तो अधिकतम योगदान रहता है और अगर हम मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यह प्रिंसिपल यह बताता है यह सिद्धांत यह बताता है कि हम सबको अपनी अपनी तरफ से मैक्सिमम मतलब कि अधिकतम योगदान देना चाहिए अधिकतम के साथ साथ श्रेष्ठम योगदान भी देना चाहिए इसके अलावा अगर दूसरे सिद्धांत की बात करें तो दूसरा सिद्धांत निर्देशन का होता है उद्देश्यों का सामंजस्य यानी कि हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अगर आपका फोकस आपके संगठन का फोकस सिर्फ और सिर्फ संगठन के लाभ में ही है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रॉफिट हो तो आपकी सोच गलत है आपका संगठन ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा मैं यह नहीं कह रही संगठन के लाभ के बारे में सोचना गलत है लेकिन गलत यह है कि अगर आप सिर्फ संगठन के लाभ के बारे में सोचते हैं तो आपको उसके साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि आपके अधीनस्थों का क्या लक्ष्य है आपका लक्ष्य तो है कि संगठन का लाभ हो लेकिन आपके अधीनस्थों का क्या लक्ष्य है उनका लक्ष्य होगा कि जब वह काम कर रहे हैं तो अच्छी सुख सुविधा मिले अच्छा वेतन मिले तो क्या एक अच्छे लीडर होते हुए आप ये सामंजस्य बिठा पाए हैं तो ये होता है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कि दोनों के लक्ष्य दोनों ही पार्टीज के लक्ष्य क्या साथ साथ चल रहे हैं अगर इसका जवाब सही है हाँ है तो इसका मतलब आपका निर्देशन सही दिशा में जा रहा है तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं जो कि है आदेश की एकता का सिद्धांत यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिले कई जगहों पर क्या होता है कि एक कर्मचारी को कई अलग अलग अधिकारियों से निर्देश मिलते हैं यानी कि आदेश मिलते हैं और कर्मचारी समझ ही नहीं पाता कि किस का काम वो पहले करे और इस चक्कर में वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता तो हमेशा याद रखिए अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो किसी भी संगठन में यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत जरूरी है अगर आपको याद हो तो हमने यूनिटी ऑफ कमांड का सिद्धांत हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था ये हम पढ़ चुके हैं तो यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत जरूरी है जिससे एक इंसान को एक ही अधिकारी से आदेश मिले और वह उन आदेशों का अच्छे से प्रभावपूर्ण तरीके से पालन कर पाए सिर्फ यही नहीं इसके अलावा हमें यह भी देखने की जरूरत है अगला सिद्धांत बोलता है दिशा तकनीक की उपयुक्तता यानी कि अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक आप कौन सी टेक्निक लेकर आ रहे हैं अपने अधीनस्थों को डायरेक्ट करने के लिए किस समय पे वो लेकर आ रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके अधीनस्थों को आज जरूरत थी प्रेरणा की और आपने एक महीने बाद आप जाकर उनसे मिले और मोटिवेशनल टॉक करने लगे तो उसका क्या फायदा तो समय के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि कौन सी टेक्निक कहाँ पे लगाने की ज़रूरत है और सिर्फ यही नहीं हमें फॉलोअप यानी कि लगातार अनुगमन का सिद्धांत यह कहता है कि हमें हर स्टेज पर फॉलोअप लेता रहना चाहिए फीडबैक लेते रहना चाहिए फीडबैक से हमें समय समय पर पता चलता रहता है कि क्या मेरा निर्देशन सही जगह जा रहा है या नहीं यह अभी भी उसमें कोई कमी है अगर आप समय समय पर फॉलोअप करते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी अगर आपका निर्देशन ख़राब था तो आप समय रहते समझ जाएंगे और आप समय रहते चीज़ों को सही कर लेंगे आखिरी में एक और सिद्धांत की मैं बात करना चाहूंगी जो कि है अनौपचारिक संगठन के प्रयोग का सिद्धांत जब हम निर्देशन की बात करते हैं तो निर्देशन सिर्फ और सिर्फ औपचारिक संबंधों की बात नहीं करता निर्देशन के अनुसार यह भी है कि औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार तो आप देखेंगे जब आप संगठन में कार्य कर रहे होंगे कि निर्देशन बहुत आसान हो जाता है अगर आपके अनौपचारिक संबंध हैं अपने अधीनस्थों के साथ देखिए हर चीज़ का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है मैं यह नहीं कह रही कि अनौपचारिक संबंध बहुत ज़्यादा होने चाहिए या औपचारिक बहुत ज़्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि दोनों में एक सामंजस्य होना चाहिए और ये पाया गया है कि अगर अनौपचारिक संबंध होते हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि लोग इनफॉर्मल रिलेशंस यानी कि अनौपचारिक संबंधों को वैल्यू करते हैं तो ये सारे सिद्धांत थे जो हमें ये बताते हैं कि अगर हमें अच्छा निर्देशन करना है तो हम क्या क्या सिद्धांत माने कि हमारा निर्देशन पूर्ण रूप से प्रभावपूर्ण तरीके से आगे बढ़े इसके आगे विद्यार्थियों में बात करूंगी निर्देशन के तत्वों की निर्देशन यानी डायरेक्टिंग या डायरेक्शन के चार तत्व होते हैं पहला तत्व होता है पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविशन जिस पर अभी आगे के व्याख्यान में हम और डिटेल में बात करेंगे इसके अलावा दूसरा तत्व है प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन अच्छा डायरेक्शन सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सामने वाले को बता दिया कि उसे क्या कार्य करना है कैसे करना है वह यह भी है कि क्या आप अपने अधीनस्थ को प्रेरणा दे पा रहे हैं उस कार्य को करने की कि वह सेल्फ मोटिवेटेड होकर ही वह कार्य कर दे मजा तो उसी में है तो यह बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से प्रेरणा देते हैं अपने अधीनस्थों को इसके अलावा जब हम तीसरे तत्व की बात करते हैं तो तीसरा तत्व होता है नेतृत्व यानी कि लीडरशिप किस प्रकार की लीडरशिप है आपकी अलग अलग तरीके से अलग अलग लीडर्स होते हैं उनके अलग अलग तरीका है टेक्निक है लोगों को समझाने का मोटिवेट करने का काम करवाने का तो आपकी कौन सी तकनीक किस समय पर इस्तेमाल की जाएगी यह भी डायरेक्शन के अंदर ही आता है और सिर्फ यही नहीं कम्युनिकेशन यानी कि संचार यह सोचना कि किस प्रकार का संचार आपको अपने संगठन के संरचना के हिसाब से करना है यह भी डायरेक्शन का ही हिस्सा है तो यह चार तत्व थे डायरेक्शन के यानी कि निर्देशन के अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सुपरविजन पे यानी कि पर्यावेक्षण पर पर्यवेक्षण निर्देशन का एक महत्वपूर्ण तत्व है जब हम इस शब्द की उत्पत्ति की अगर बात करें कि यह शब्द कहाँ से आया तो उस दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन दो शब्दों से बना हुआ है एक तो पर्य और वेक्षण से जिसका अर्थ होता है देखरेख पर्यवेक्षण का अर्थ श्रेष्ठतरों द्वारा उनके अधीनस्थों के कार्यों की देखरेख है पर्यवेक्षण में विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं जैसे कि निगरानी निर्देशन मार्गदर्शन निरीक्षण और तालमेल बैठाना शायद आप समझ पा रहे होंगे कि जब हम पर्यवेक्षण की बात कर रहे हैं तो इसमें एक मुखिया या एक लीडर या एक सीनियर मैनेजर सीनियर प्रबंधक या एक श्रेष्ठतर प्रबंधक अपने अधीनस्थों के काम की देखरेख कर रहा है वो देख रहा है कि किस प्रकार मेरे अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं और वह सिर्फ देख ही नहीं रहा ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा वह उसके साथ साथ यह भी उन्हें बता रहा है कि उस कार्य को करने का सही तरीका क्या है वह इंसान ही सही पर्यवेक्षक बन सकता है बहुत से लोग सोचते हैं पर्यवेक्षक का कार्य सिर्फ और सिर्फ अपने अधीनस्थों की गलती बताना है या उन्हें डांटना है तो नहीं पर्यवेक्षण एक सकारात्मक सोच है यह नकारात्मक सोच नहीं है जो लोगों के आ, लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालती है यह एक सकारात्मक सोच है जिसकी वजह से हमें यह पता चलता है कि हमारे अधीनस्थ कहाँ पर नहीं सही कार्य कर पा रहे तो हम ये जाने कि वह कार्य कैसे सही हो सकता है अगर उनमें प्रेरणा की कमी है तो हम उन्हें प्रेरणा दें अगर कहीं पर कोई कार्य संचार संरचना की वजह से प्रभावित हो रहा है तो हम उसको देखें यह होता है एक पर्यवेक्षक तो देखरेख वो इन सब चीज़ों की करता है निगरानी वो इन सब चीज़ों की करता है और उसके साथ साथ रास्ता भी बताता है अपने अधीनस्थों को पर्यवेक्षण करने वाला व्यक्ति पर्यवेक्षक होता है लेकिन उसके पास हमेशा पर्यवेक्षक का औपचारिक शीर्षक होना जरूरी नहीं है ज्यादातर आप देखेंगे कि ये जो पर्यवेक्षक का शीर्षक होता है यह लोअर लेवल मैनेजर्स यानी कि निम्न स्तर स्तर के या निचले स्तर के प्रबंधकों के लिए इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उच्च स्तरीय प्रबंधन या प्रबंधक और मध्यम स्तरीय प्रबंधक को पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षण की जरूरत नहीं है पर्यवेक्षण हर स्तर पर जरूरी है हाँ यह जरूर हो सकता है कि आपको औपचारिक रूप से इसका शीर्षक ना मिले लेकिन फिर भी जितने भी प्रबंधक हैं वो अपने अपने स्तर पर पर्यवेक्षण ही कर रहे हैं निगरानी कर रहे हैं रख रक रखाव कर रहे हैं देख रेख कर रहे हैं अपने अधीनस्थों की उनके कार्यों की तो पर्यवेक्षण सर्वव्यापी है या हम कह सकते हैं कि परवेसिव है जिसका मतलब हर स्तर पर मौजूद है जब हम बात करेंगे पर्यवेक्षण की तो पर्यवेक्षण के कुछ प्रकार होते हैं अब यह है, आपको सोचना है कि आप कौन सा प्रकार कौन सी सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं यह ज़रूरी नहीं है कि एक पर्यावेक्षक हमेशा एक ही तरीके का पर्यावेक्षण करे हो सकता है एक पर्यावेक्षक सिचुएशन के हिसाब से स्थिति के हिसाब से यह देखे कि उस स्थिति में कौ किस तरीके का पर्यावेक्षण करने की ज़रूरत है तो चलिए पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रकार के पर्यावेक्षण होते हैं तो सबसे पहला पर्यावेक्षण होता है निरंकुश पर्यावेक्षण जिसको हम ऑटोक्रेटिक सुपरविजन भी कहते हैं तो पर्यवेक्षक हैं वो बॉस की तरह हैं वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं अब आप यह मत सोचिएगा कि ऑर्डर देते हैं तो अभी तो हमने कहा था कि यह सकारात्मक ही है तो यह क्या हो गया नहीं बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी स्थितियों में हमें ऑटोक्रेटिक सुपरविजन की भी जरूरत है यानी कि निरंकुश पर्यवेक्षण की भी जरूरत है आप सोच के देखिए जहां पर आपके अधीनस्थ कार्य नहीं करना चाहते हैं वह थेरी एक्स वाले लोग हैं सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा ऐसी स्थितियों में निरंकुश पर्यवेक्षण ही काम आता है आप हर समय लोकतांत्रिक या सहयोग वाले पर्यवेक्षण नहीं कर सकते इसके अलावा एक और उदाहरण देती हूं जहां पर आपके पास टाइम बाउंड सिचुएशन है आपको कोई कार्य अपने अधीनस्थों से पूरा करवाना है और उसके लिए आपके पास कोई टाइम लिमिट है टाइम बाउंडेशन है लेकिन आपको पता है कि जब तक आप ऑर्डर नहीं देंगे अपने अधीनस्थों को या ऑटोक्रेटिक सुपरविजन या निरंकुश पर्यवेक्षण नहीं लगाएंगे उन पर वह कार्य नहीं करेंगे तो यह भी जरूरी है स्थिति के हिसाब से आप सोचिए बहुत सी जगहों पे लोगों को पता नहीं है बिल्कुल अनस्किल्ड हैं उस सिचुएशन में भी निरंकुश पर्यावेक्षण अच्छा है सिर्फ एक पर्यावेक्षक की बात मानी जाएगी और कुछ नहीं तो यह भी सही है लेकिन यह देखने की जरूरत है कि किस प्रकार की स्थिति है कैसी सिचुएशन है उसी के हिसाब से आप सोचेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और पर्यावेक्षण की जिसका नाम है लोकतांत्रिक पर्यावेक्षण यानी कि डेमोक्रेटिक सुपरविजन यहाँ पर पर्यवेक्षक जो होता है वह कंसल्ट करता है अपने अधीनस्थों से और कोशिश करता है कि उनको उनके साथ बैठकर सोचे कि कार्य क्या करना है लोकतांत्रिक वो वहाँ पर सबकी बात भी सुनता है अधीनस्थों की बात भी सुनता है हाँ फाइनल डिसीजन यानी कि फ़ाइनल प्रक्रिया या निर्णय लेने का जो हक होता है वह पर्यवेक्षक को होता है यहाँ पर हम थोड़ी छूट तो देते हैं अधीनस्थों को कि वह कम से कम अपनी बात तो कह पाएं, अपनी प्रॉब्लम्स रख पाए अपने सुपरवाइज़र अपने पर्यवेक्षक के सामने और पर्यवेक्षक कोशिश भी करता है सुनता भी है उनको और जो सही होता है संगठन के हिसाब से समूहों के हिसाब से वह वो कार्य करता है और उस कार्य को आगे तक लेके जाता है तीसरा जो हम बात करते हैं वो करते हैं मुक्त लगाम पर्यवेक्षण यानी कि फ्री रेन सुपरविजन इस तरीके के सुपरविजन में जो पर्यवेक्षक होता है वह सारी चीज़ें अपने अधीनस्थों पर छोड़ता है और वह ऐसा क्यों कर पाता है क्योंकि वह मानता है कि उनके अधीनस्थ जो हैं वह पूर्ण रूप से सक्षम हैं हर कार्य करने में वह पूर्ण रूप से इस चीज़ में सक्षम है कि जब भी और जो भी वो कार्य करेंगे वह प्रभावपूर्ण तरीके से ही करेंगे दक्षता पूर्वक ही करेंगे आपको याद होगा मैंने पिछले कुछ व्याख्यान में बात भी करी थी डगलस मैकग्रेगर की थेरी एक्स और थेरी वाई की थेरी एक्स का मानना होता है कि कर्मचारी काम नहीं करना चाहते हैं जब तक उनको आदेश नहीं मिलता अपने सीनियर से तब तक वह कार्य नहीं करना चाहते हैं कार्य तभी करते हैं जब उनको यह डर होता है कि इस कार्य को अगर उन्होंने नहीं किया तो उनकी नौकरी जा सकती है लेकिन इसी के विपरीत डगलस मैग्रेगर ने थेरी वाई वाले लोगों की भी बात करी थी और उन्होंने कहा था कि संस्था में ऐसे भी लोग होते हैं जो काम खुद से लेना चाहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस कार्य को अपने पूरे दायित्व के साथ निभाते हैं और उन्हें ज़रूरत नहीं होती कि कोई उनको यह पूछे या यह आदेश दे कि यह काम ऐसे होगा वे अपने आप में सक्षम हैं अपने आप में सोच लेते हैं कि, कि किस प्रकार इस कार्य को पूरा करना है और अच्छे से पूरा करना है उनमें इतना उत्तरदायित्व लेने की सोच होती है तो फ्री रेंज सुपरविजन होता है जिसमें एक पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थों को कार्यभार सौंपता है हाँ ऐसा नहीं है कि वो सौंप कर आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाएगा वो एक फैसिलिटेटर की तरह रहता है वहाँ जहाँ पर जो भी जो भी संसाधन उनके अधीनस्थों को कार्य पूरा करने के लिए चाहिए होते हैं तो वह संसाधन पर्यवेक्षक उनको ला के देता है पर्यवेक्षक उनकी मदद करता है कि वह संसाधन कैसे जुटा सकते हैं तो ये तीन तरीके के पर्यवेक्षण थे एक में जहां पर्यवेक्षक एक बॉस के रूप में स्थापित है जहां वह सिर्फ आदेश देता है और आदेशों का पालन ना होने पर पनिशमेंट भी मिलता है अधीनस्थों को इसके अलावा डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षण जिसमें वह बात सुनता है लोगों की समझता है और अपने हिसाब से देखते हुए उन सब चीजों को निर्णय लेता है इसके अलावा एक होता है मुक्त लगाम पर्यावेक्षण यानी कि फ्री रेन पर्यावेक्षण सुपरविजन जिसमें जो पर्यावेक्षक होता है वह अपने अधीनस्थों को कार्य सौंपता है पूरी जिम्मेदारी के साथ उन पर विश्वास करते हुए और एक फैसिलिटेटर की तरह एक फैसिलिटेटर के रूप में रहता है उनके साथ एक बॉस के रूप में नहीं तो यह सब थे पर्यवेक्षण के प्रकार तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रभावी पर्यवेक्षण के कारक कि कौन से वो ऐसे कारक हैं जो एक इफेक्टिव सुपरविजन यानी कि प्रभावी पर्यवेक्षण को प्रभावित करते हैं तो पहला होता है कौशल और क्षमता देखिए अगर आपके अधीनस्थ स्किल्ड हैं बहुत ही ज्यादा कौशल हैं बहुत ही ज्यादा क्षमतावान हैं तो आपको ज़्यादा पर्यवेक्षण की जरूरत नहीं पड़ती वह कार्य अपने आप ही कर लेते हैं लेकिन वहीं पर अगर आपके अधीनस्थ अनस्किल्ड हैं तो आपको क्लोज सुपरविजन की जरूरत पड़ती है इसके अलावा आपका क्या पद है लीडरशिप में आपकी क्या पोजीशन है कंपनी में इस पर भी निर्भर करता है कि आपका सुपरविजन मतलब कि आपकी बात लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे जो आप देख रखाव कर रहे हैं वो सुनेंगे आपको कि नहीं सुनेंगे इसके अलावा समूह का सामंजस्य यानी कि ग्रुप कोहेसिवनेस जिस समूह को आप पर्यवेक्षण कर रहे हैं जिस समूह के आप पर्यवेक्षक हैं अगर उनमें आपस में सामंजस्य है तो वह आपकी बात मानेंगे आपकी बात को सुनेंगे तो आपका पर्यवेक्षण और प्रभावपूर्ण बनता है इसके अलावा अगर आपकी अधीनस्थों के साथ उचित समझ है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था इनफॉर्मल रिलेशन्स की बात यानी कि अनौपचारिक संबंधों की बात तो अगर आपके उनके साथ अनौपचारिक संबंध हैं अगर आपके एक उचित समझ बैठी हुई है अपने अधि अधीनस्थों के साथ तो वह बहुत आसानी से वह पर्यवेक्षण बहुत आसान कर देते हैं आपको बहुत कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं होती और सब कार्य हो भी जाता है और वो भी दक्षतापूर्वक और प्रभावपूर्ण तरीके से होता है और सिर्फ यही नहीं व्यक्तिगत परिपक्वता और संवेदनशीलता यानी कि आपकी एज अ पर्यवेक्षक खुद की पर्सनल मेच्योरिटी खुद की सेंसिटिवनेस कितनी है अपने अधीनस्थों के लिए यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो यह निश्चय करता है कि आपका पर्यवेक्षण कैसा रहेगा अगर आप परिपक्व हैं आप संवेदनशील हैं तो आप अपने अधीनस्थों की प्रॉब्लम्स को मजबूरियों को समझेंगे और उसके लिए कुछ सल्यूशन लेकर आएंगे कुछ उत्तर लेकर आएंगे तो जब ऐसा होगा तो आपका आपका जो पर्यवेक्षण है वो बहुत प्रभावित होगा वो बहुत प्रभावपूर्ण रहेगा तो यह थे अलग अलग कारक जो कि पर्यवेक्षण को इंपैक्ट करते हैं आगे हम बात करेंगे कि एक पर्यवेक्षक के कार्य क्या होते हैं वह कार्य क्या क्या करता है तो सबसे पहले तो एक पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर यानी कि जो देख रेख कर रहा है वह प्लानिंग करता है यानी कि योजना बनाता है और अच्छा ऑर्गेनाइजिंग करता है यानी कि संगठन बनाता है जिसमें वह तय करता है कि कौन कौन से पद होंगे किस तरीके की संगठन की संरचना होगी किस तरीके की नियुक्तियां होंगी वह सब की बात करता है काम करने की स्थिति का प्रावधान क्या रहेगा वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी और वर्किंग कंडीशंस बेहतर कैसे बनाई जा सकती है यह भी कार्य पर्यवेक्षक का ही है उसे यह देखना कि मेरे अधीनस्थ किस तरीके की वर्किंग कंडीशंस या काम करने की स्थिति में है कैसी कंडीशंस हैं क्या मैं उन्हें एक अच्छी कंडीशंस दे पा रहा हूं जिसमें वह प्रेरणा जिसमें वह प्रेरित होकर कार्य करें इसके अलावा एक पर्यवेक्षक एक अच्छा मार्गदर्शक होता है और वह नेतृत्व करता है अपने समूह का यानी कि एक लीडर होता है वह और उनको साथ लेके चलता है और सिर्फ यही नहीं ग्रीवियंसिस यानी कि शिकायतें अधीनस्थों को होती हैं किसी ना किसी चीज को लेकर आपकी शिकायत हो सकती है तो यह भी पर्यवेक्षक का कार्य है कि अपने अधीनस्थों की शिकायतें निपटाए यानी कि सॉल्व करें और वह भी अच्छे तरीके से सॉल्व करें जिससे कि उनकी शिकायत ही ना रहे और वह खुश हो मोटिवेटेड रहें इसके अलावा एक पर्यवेक्षक जो होता है प्रेरणा देता है अपने अधीनस्थों को उसका कार्य यह भी है कि समय समय पर मोटिवेट करता रहे अपने अधीनस्थों को अगर वह नहीं करेगा समय समय पर मोटिवेट तो उसके अधीनस्थ कुछ समय के बाद एक मोनाटनस काम को करते करते शायद डिमोटिवेट हो सकते हैं तो आपका मतलब कि एक पर्यवेक्षक का कार्य यह भी है कि समय समय पर वो अपने अधीनस्थों को प्रेरणा देता रहे और सिर्फ यही नहीं एक पर्यवेक्षक का कार्य होता है एक अच्छी रिपोर्टिंग करना रिपोर्टिंग भी उसी का कार्य है कि कौन सा कार्य कैसे हुआ किस तरीके से हुआ यह पूरी चीज की जानकारी उस पर्यवेक्षक के पास होनी चाहिए क्योंकि वह है सुपरवाइजर वो कर रहा है सुपरविजन देख रेख रख रखाव तो किस चीज का रख रखाव कर रहा है कि उसके एम्प्लॉयज कैसे हैं क्या है कौन सा सामान कहाँ रहा सब चीज का रिपोर्टिंग उसके पास होना चाहिए तो यह सारे कार्य एक पर्यावेक्षक को करने पड़ते हैं इसके आगे जब हम बात करेंगे तो हम बात करने वाले हैं कि एक पर्यवेक्षक को ऐसे कौन से गुण ऐसी कौन सी स्किल्स एबिलिटीज चाहिए कि वो इतने सारे कार्य एक साथ प्रभावपूर्ण तरीके से कर सके तो अभी जब मैं बात करूंगी तो मैं बात करने वाली हूं कि एक पर्यवेक्षक को कौन कौन से गुण चाहिए होते हैं तो सबसे पहले एक पर्यवेक्षक संचार में कुशल होना चाहिए यानी कि कम्युनिकेशन में एफिशिएंट होना चाहिए अगर वे खुद कम्युनिकेशन में एफिशिएंट है देखिए कम्युनिकेशन का मतलब या संचार का मतलब यह नहीं है कि आप एक अच्छी भाषा बोल पाएं आप हिंदी इंग्लिश जापानी या कोई भी लैंग्वेज बोल पाए इसके अलावा कम्युनिकेशन का मतलब यह भी होता है कि क्या आप अपनी बात सामने वाले को समझा पा रहे हैं उसी तरीके में जिस तरीके से आप समझाना चाहते हैं क्या वही मैसेज दूसरे के पास पहुंच पा रहा है तब हम कहते हैं कि आप संचार में कुशल हैं यानी कि कम्युनिकेशन में एफिशिएंट हैं द मैसेज विच यू वॉन्ट टू ट्रांसफ़र इज़ बीग ट्रांसफर्ड इन द वे इन विच यू वॉन्टेड टू ट्रांसफर आप जिस तरीके से जिस मैसेज को पहुंचाना चाहते थे उसी मतलब में आप पहुंचा पाए हैं सामने वाले के दिमाग में तो ये है कम्युनिकेशन तो एक पर्यावेक्षक को संचार में कुशल होना बहुत जरूरी है इसके अलावा जब हम बात करते हैं और गुणों की तो एक अप्रोचेबिलिटी यानी कि पहुंच और समानुभूति होनी चाहिए देखिए दो वर्ड्स आते हैं हमारे सामने हमेशा एम्पेथी और सिम्पथी एम्पेथी होती है समानुभूति और सिंपथी होती है सहानुभूति तो मैं कह रही हूं कि एक पर्यवेक्षक को सहानुभूति के साथ साथ समानुभूति होना चाहिए यानी कि वह अपने आप को सामने वाले के शूज में रखकर देख पाए कि ये कैसा फील कर रहा है तो ये होता है एम्पेथेटिक एटीट्यूड तो एक पर्यवेक्षक को समानुभूति एटीट्यूड होना चाहिए और सिर्फ यही नहीं प्रबंधन में कौशल भी होना चाहिए वह और अनुकूलन क्षमता होनी चाहिए यानी कि अडेप्टेबल होना चाहिए अगर वह खुद ही अडेप्टेबल नहीं होगा तो परिवर्तन कैसे लाएगा और कैसे अपने अधीनस्थों को परिवर्तित कर पाएगा तो यह बहुत जरूरी है इसके साथ साथ वो कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वास से पूर्ण होना चाहिए और सकारात्मक सोच होनी चाहिए उसकी क्योंकि अगर उसकी सोच सकारात्मक होगी तो वह सोच वो अपने अधीनस्थों तक पहुंचा पाएगा अगर वो खुद ही नकारात्मक है तो वो कहाँ से अपने अधीनस्थों को प्रेरणा दे पाएगा सिर्फ यही नहीं उसके कार्यों में पारदर्शिता होनी चाहिए यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उसे टीम वर्क पर फोकस करना चाहिए समूह पर फोकस करना चाहिए कि कैसे समूह को आगे लेके जा पाएं कैसे उसमें कोहेसिवनेस बढ़ा पाएं और सिर्फ यही नहीं जब हम पर्यवेक्षक के गुणों की बात करते हैं तो अभी तक जो हमने बात करी हमने कही कि वो सिखाएगा वो बताएगा अधीनस्थों को लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें खुद में भी सीखने की चाह होनी चाहिए अगर उसके अंदर सीखने की चाह नहीं है तो वह खुद में भी परिवर्तन नहीं ला पाएगा और जब वह खुद में परिवर्तन नहीं ला पाएगा तो वो कैसे अपने अधीनस्थों को परिवर्तित कर पाएगा कैसे अपने अधीनस्थों तक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ा पाएगा तो यह सारी बात थी कि एक पर्यवेक्षक को कौन कौन से गुण होने चाहिए तो मैं मानती हूँ कि शायद आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि अगर आप एक अच्छे पर्यवेक्षक बनना चाहते हो तो आपको अपने अंदर कौन से गुण लेकर आने हैं किन गुणों को और डेवलप करना है तो प्रिय विद्यार्थियों इस सत्र में हमने जिस पर बात करी वह तो हमने निर्देशन की अवधारणा को समझा हमने देखा कि इसकी क्या अहम भूमिका है प्रबंधन के कार्यों में और सिर्फ यही नहीं हमने एक संगठन में पर्यवेक्षण का अर्थ भी समझा और उसके कारकों को भी जाना और ये भी पढ़ा कि कैसे एक पर्यवेक्षक एक अच्छा लीडर साबित हो सकता है और कौन से गुण चाहिए उस पर्यावेक्षक को कि वह अच्छे ढंग से सुचारू रूप से पर्यवेक्षण कर पाए तो मैं समझती हूँ कि आपको आज के व्याख्यान में करी गई सब बातें समझ आई होंगी धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों